मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि उपसंहार अध्याय की चर्चा चल रही है, ग्रंथ का अवसान ही है। अब इसके पूर्वार्ध भाग में आपने 28 अध्यायों के क्रमशः विषयों के बारे में पढ़ा। वर्तमान श्लोक जो है वह इसमें यह बताया गया है कि आचार्य वराहमिहिर ने बृहद जातकम ग्रंथ की रचना करने के पश्चात बृहद योग यात्रा नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें क्रमशः 18 अध्याय हैं। उन 18 अध्यायों के विषय में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, प्रश्नास्तिथिर्भम दिवस क्षणश्च चंद्रो विलग्नम त्वथलग्न भेद शुद्धिग्रहाणामथ चापवादो विमिश्र काख्यम तनुवेपनंच अतः परम गुह्यक पूजनम स्यात् स्वप्नम ततः स्नान विधि प्रदिष्टः यज्ञो ग्रहाणामथ निर्गमश्च क्रमाच्च दिष्टः शक्नोपदेशः। इस प्रकार से 18 अध्यायों की चर्चा आचार्य वराहमिहिर ने अपने बृहद योग यात्रा नामक ग्रंथ में की है। इसका प्रथम अध्याय है प्रश्नाध्याय, द्वितीय अध्याय है तिथि बलाध्याय, तृतीय अध्याय है नक्षत्र बलाध्याय, चतुर्थ अध्याय है दिन बलाध्याय, पंचम अध्याय जो है मुहूर्त अध्याय, षष्ठ जो है वह चंद्र बलाध्याय, सप्तम जो है वह लग्न साधनाध्याय, अष्टम अध्याय लग्न भेदाध्याय है, नवा अध्याय ग्रह शुद्धि अध्याय है, दसवां अध्याय अपवादाध्याय है, ग्यारहवां मिश्रकाध्याय है, बारहवां अंग स्फुरणाध्याय है, तेरहवां पूजन विधि नामक अध्याय है, चौदहवां स्वप्नाध्याय है, पंद्रहवां स्नान विधि अध्याय है, सोलहवां ग्रह यज्ञ अध्याय है, सत्रहवां यात्रा निर्णय अध्याय है और अंत में 18वां अध्याय जो है वह शकुन अध्याय के नाम से अभिप्रेत है। तो इस प्रकार से 18 अध्याय में आचार्य वराहमिहिर ने समस्त यात्रा से संबंधित विषयों का उल्लेख किया है। अब हम पुनः आचार्य वराहमिहिर जो अन्य इनकी कृतियां हैं, विवाह पटल इत्यादि संबंधित जो अन्य कृतियां हैं वह आपके समक्ष प्रस्तुत हैं इस श्लोक के माध्यम से। जैसा कि श्लोक में कहते हैं, विवाह काल करणम ग्रहाणाम प्रोक्तः पृथुक्त विपुलाथ शाखा स्कंधस्त्रिभिर्ज्योतिष संग्रहोयम मया कृतो दैव विदामिताय। इसकी हम व्याख्या देखते हैं तो आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि मया कृतम दैव विदामिताय, दैव विदाम अर्थात ज्योतिर्विदाम, इनके हित के लिए मैंने इन ग्रंथों की रचना की। इन्होंने विवाह पटल नामक ग्रंथ की रचना की, लघु जातकम नामक ग्रंथ की रचना की, अनेक ग्रंथों की 13 ग्रंथों की रचना इन्होंने की, किंतु इस प्रस्तुत जो श्लोक है इसमें केवल विवाह पटल की चर्चा करते हैं, करण ग्रंथ की चर्चा करते हैं, पंच सिद्धांतिका जो है और त्रिस्कंध ज्योतिष के विषय में चर्चा करते हैं। सिद्धांत संहिता होरा जो त्रिस्कंध है इन त्रिस्कंधों की चर्चा करते हैं। इन तीनों स्कंधों पर आचार्य वराहमिहिर ने अपने लेखनी समान रूप से चलाई है। इस कारण से इन्होंने कहा है कि दैव विदाम हिताय, ज्योतिर्विदों के हित के लिए मैंने इन सभी ग्रंथों का प्रणयन किया। जैसा कि आप चक्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो इनके 13 ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैसा कि आपके समक्ष चक्र प्रस्तुत है, एक संक्षिप्त परिचय इनके ग्रंथों के बारे में। करण ग्रंथ जो है पंच सिद्धांतिका है, द्वितीय ग्रंथ बृहद जातकम, वस्तुतः इसका नाम होरा शास्त्र है किंतु इसमें जातक संबंधित समस्त शुभाशुभ फलों का उल्लेख करने के कारण और आकर ग्रंथ होने के कारण इसकी बृहद संज्ञा बृहद जातकम नामक संज्ञा है। तृतीय ग्रंथ लघु जातकम है जो बृहद जातक का ही संक्षेप रूप है। चतुर्थ ग्रंथ बृहद संहिता है जो संहिता का आकर ग्रंथ है। पंचम ग्रंथ जो है वह समास संहिता है जो बृहद संहिता का ही लघु रूप है। षष्ठ ग्रंथ जो विवाह पटल है जैसा कि अभी चर्चा हमने किया है। सातवां ग्रंथ योग यात्रा है जिसमें 18 अध्याय हैं। आठवां ग्रंथ बृहद योग यात्रा है, योग यात्रा बृहद योग यात्रा का ही एक लघु ग्रंथ है। नवा ग्रंथ जातकारणव है, इसमें जातक संबंधित अनेक शुभाशुभ फलों का उल्लेख किया गया है। दसवां ग्रंथ दैवज्ञ वल्लभा है, यह भी इसमें भी जो है जातक संबंधित शुभाशुभ फलों का समावेश है। ग्यारहवां ग्रंथ दिक्निक यात्रा या ढिकनिक यात्रा, सांप्रतम यह अनुपलब्ध ग्रंथ है, पांडुलिपि रूप में है, इसका अभी तक मुद्रण नहीं हुआ है, क्वचित प्रक्षिप्त प्राप्त भी होता है। इसी प्रकार से जो बारहवां ग्रंथ है पंचपक्षी जो एक शकुन ग्रंथ है, यह भी अप्राप्त है, पांडुलिपि रूप में संग्रहित है। तेरहवां ग्रंथ मयूर चित्रक है, यह प्रकाशित हो चुका है किंतु वराहमिहिर का ही यह ग्रंथ है ऐसा संदेह का विषय है। तो इस प्रकार से आचार्य वराहमिहिर ने अपने जीवन काल में कुल मिलाकर के 13 ग्रंथों की रचना की है। तो सार रूप में हमने इन 13 ग्रंथों के बारे में पढ़ा। अब अग्रिम श्लोक में आचार्य वराहमिहिर जो है कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के विषय में। जैसा कि श्लोक में कहते हैं,
पृथुविरचितम् अन्यैः शास्त्रमेतत् समस्तम् तदनुलघुमयेदम् तत् प्रदर्शार्थमेव कृतमिह हि समर्थम् धीविषाणामलत्वे मम यदि यदुक्तम् सज्जने क्षम्यताम् तत्। तो इस श्लोक के माध्यम से आचार्य वराहमिहिर अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं और सज्जनों से क्षमा प्रार्थना भी कर रहे हैं। यह एक परंपरा रही है और लेखक का यह एक मौलिक गुण होता है। तो जैसा कहते हैं कि इसके पूर्व आचार्यों ने, अनेक आचार्यों ने, यवन आचार्यों ने, चाहे 18 प्रवर्तक जो हुए, उन आचार्यों ने इस शास्त्र को पृथु रूप में विस्तारित किया, अर्थात बहुत इसका विस्तार किया है। किंतु मैंने, अर्थात वराहमिहिर ने, उन समस्त विस्तार को न ग्रहण करके उसका जो सार तत्व है उसको मैंने लघु रूप में बृहज्जात ग्रंथ में संकलित किया है। तो इस प्रकार से आचार्य वराहमिहिर उपमा देते हैं कि जिस प्रकार से श्रृंग गवयव इत्यादि के जो श्रृंग होते हैं उनका निरंतर उपयोग करने के कारण उसमें तीक्ष्णता आ जाती है, उसी प्रकार से अनेक ग्रंथों का अध्ययन करते करते आचार्य वराहमिहिर की जो बुद्धि है वह भी तीक्ष्ण हो गई है, जो इस वराह बृहज्जातकम नामक ग्रंथ में प्रदर्शित होती है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो मेरी इस गलती हुई है, मेरे द्वारा जो कुछ भी इसमें अतिरिक्त कहा गया हो या अनिष्ट कहा गया हो तो वह सज्जनों के द्वारा क्षम्य है, अर्थात मुझे वह क्षमा करे। तो यह एक बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापन का भाव प्रदर्शित आचार्य यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक को पढ़ा। अब इसके पश्चात जो अग्रिम श्लोक है, इस श्लोक में आचार्य स्वयं जो है, लेखक के द्वारा कोई गलती रह जाती है, चाहे सुनने के कारण कुछ दोष रह जाते हैं, किसी भी प्रकार से कुछ यदि दोष रह जाते हैं तो उन दोषों को यहाँ पर ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ करके जो सारभूत तत्व हैं उनका ग्रहण करना चाहिए, यही इस प्रस्तुत श्लोक का भाव है। जैसा कि श्लोक है, ग्रंथस्य यत् प्रचरतोस्य विनाशमेति लेख्याद् बहुश्रुत मुखाधिगमक्रमेण यद्वा मया कुकृतमल्पमिहाकृतं वा कार्यं तदत्र विदुषा परिहृत्य रागम। अर्थात विद्वानों को राग द्वेष छोड़ करके इसको ग्रहण करना चाहिए, हमारे द्वारा जो यह कृत्य है, बृहज्जातकम नामक जो ग्रंथ है, इसका आश्रय करना चाहिए। जैसा कि इसकी जब हम व्याख्या देखते हैं तो कहते हैं कि लेखक के द्वारा, अध्येता के द्वारा, अध्यापक के द्वारा या बहुत सुने हुए अत्यंत विद्वानों के द्वारा, पंडितों के मुखों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, उन सभी ज्ञानों को मैंने एकत्र आबद्ध करते हुए इस ग्रंथ का प्रणयन किया है, और इस ग्रंथ में जो भी अतिरिक्त है, जो त्रुटियां हैं, उनको विद्वानों के द्वारा राग द्वेष आदि भावों को छोड़ करके इसका आश्रण करना चाहिए, अर्थात मेरे द्वारा जो विरचित ग्रंथ है उसको प्रमादवश जिन जिन विषयों का उल्लेख नहीं हो सका है अथवा जो विषय छूट गए हैं, वह विषय समय समय पर मात्सर्य रहित होकर के विद्वानों से परिमार्जित एवं परिवर्धित होते रहेंगे, ऐसी यह आचार्य कामना भी करते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य वराहमिहिर ने अपना दोष प्रदर्शन करते हुए विद्वानों से क्षमा प्रार्थना भी किया हुआ है। अब अंत श्लोक में जो है आचार्य अपने विषय में कुछ कहते हैं, वस्तुतः भारतीय सनातन परंपरा कह लीजिए या जो लेखकों की परंपरा रही है उसमें अपने विषय में स्वल्प कहने का ही बोध सर्वत्र प्रतीत होता है। आचार्य अपने विषय में बहुत सारे पंक्तियों में अपनी बात को नहीं कहते, एक दो पंक्ति में ही अपनी बात को कहकर वह विश्राम लेते हैं। तो इसी प्रकार से आचार्य वराहमिहिर अपने विषय में कहते हैं एक पंक्तियों में, जैसा कि आपके समक्ष प्रस्तुत है, आदित्यदास तनयस्तदवाप्त बोध कापित थके सवितृलब्धवर प्रसाद आवंतिको मुनिमतान्यवलोक्य सम्यक होराम वराहमिहिरो रुचिराम चकार। वराहमिहिर रुचिराम होराम चकार। वराहमिहिर ने रुचिर अर्थात सुंदर होरा नामक ग्रंथ की रचना की। जैसा कि कहते हैं कि आदित्यदास तनय अर्थात इनके पिता का नाम जो था वह आदित्यदास था और उन्हीं के द्वारा इन्होंने इस ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? तो सूर्य की कृपा के प्रसाद के द्वारा। यह सूर्य वंश के अनुयायी थे तो उनकी सूर्य की उपासना करने के पश्चात इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान के आधार पर इन्होंने बृहज्जातक इत्यादि ग्रंथों की रचना की और अनेक ग्रंथों की रचना करने के पश्चात उन ग्रंथों में मंगल श्लोक में सर्वत्र ही सूर्य की उपासना की है और अंत में भी सूर्य की उपासना की है। यह कपित्थ नामक ग्राम के निवासी थे, अवंती प्रदेश है उसमें यह कपित्थ नामक ग्राम के निवासी थे और
विक्रम के जो नवरत्न थे उन नवरत्नों में यह गिने जाते थे। तो कपित्थ ग्राम उज्जैनी के समीप जो ग्राम है उसको कपित्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य वराहमिहिर ने इस बृहत जातकम नामक ग्रंथ की रचना की। और अंत में उपसंहार का जो अंत का जो श्लोक है, इस श्लोक में आचार्य वराहमिहिर ने सूर्य को, अपने अष्टादश प्रवर्तकों को, गुरुचरण को इत्यादि समस्त समस्त आचार्यों के प्रति अपना कृतज्ञता भाव प्रकट किया है। अब उनके प्रति प्रणामांजलि अर्पित करते हैं और कहते हैं कि उनके द्वारा समस्त रचित ग्रंथों का आलोडन करने के पश्चात मैंने शास्त्र रूप का प्रणयन किया है, इसलिए उन सभी पूर्व जो प्रणेता हैं उन सभी को नमस्कार है। जैसा कि श्लोक है, दिनकर मुनि गुरु चरण प्रणिपात कृत प्रसाद मति नेदम शास्त्रम उपसंहृतम नमोस्तु पूर्व प्रणीत्रेभ्य। अर्थात दिनकर मुनि गुरु चरण, अर्थात दिनकर अर्थात सूर्य, जैसा कि प्रारंभ में भी सूर्य की इन्होंने वंदना की थी और अंत में भी सूर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव ज्ञापित कर रहे हैं। तो दिनकर अर्थात सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के पश्चात मुनियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। अपने जो गुरु हैं, इनके जो गुरु हैं अर्थात इनके जो पिता, क्योंकि स्वयं वह इनके गुरु थे आदित्यदास, तो उनके चरणों में भी अपने प्रणामांजलि अर्पित करते हैं। तो इन सभी के कृपा प्रसाद के द्वारा जो जो इनको राशि प्राप्त हुई है, जो ज्ञान रूपी जो राशि प्राप्त हुई है, उन राशियों को ग्रहण करते ही इन्होंने शास्त्र का प्रणयन करना प्रारंभ किया। तो इसलिए आचार्य वराहमिहिर पूर्व प्रणेता जितने भी है, ज्योतिष शास्त्र के जितने भी पूर्व प्रणेता हैं, उन सबको वह नमस्कार करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। क्योंकि यदि वो पूर्व प्रणेता नहीं होते तो हमारे पास कदाचित यह शास्त्र आ ही नहीं पाता। इसलिए हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना एक मानव का स्वाभाविक धर्म है। तो उस धर्म का अनुपालन करते हुए आचार्य वराहमिहिर ने भी समस्त पूर्व प्रणेताओं को नमस्कार किया है और उनसे यह निवेदन किया कि यह शास्त्र की परंपरा आगे हमेशा चलती रहे। तो इस प्रकार से हमने उपसंहार अध्याय, जो वस्तुतः 28वां अध्याय था, आपका यह 37वां पाठ था, तो इस पाठ के विषय में हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से यह ग्रंथ समाप्ति को प्राप्त होता है। हम कामना करते हैं कि आप इस ग्रंथ का अभी तक अच्छी पूर्वक भली भांति पूर्वक अध्ययन किए होंगे और अब आप इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जो ज्योतिष शास्त्र की जो मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुरूप आपको इसका आचरण करना है और समाज में एक ज्योतिष की जो प्रतिष्ठा है, शास्त्रीय प्रतिष्ठा है, उसको आपको प्रतिष्ठापित करना है। जो जिस प्रकार से बाजार बना हुआ है ज्योतिष का, उस बाजार को दूर करते हुए एक जो मौलिक परंपरा है, उस मौलिक परंपरा का निर्माण आपको करना है। तो इस पाठ का जो सारांश है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि यह स्वयं उपसंहार अध्याय एक सारांश रूप में ही है, तो इसका भी सारांश कहना अपने आप में एक अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। तो इस उपसंहार अध्याय में आचार्य वराहमिहिर ने अपने बृहत जातकम नामक ग्रंथ के 28 अध्यायों के विषय में कहा है। योग यात्रा, बृहत योग यात्रा जो इनका ग्रंथ है, उन ग्रंथों में जो 18 अध्याय हैं उन अध्यायों का वर्णन किया गया है। विवाह पटल, जो मुख्यतः विवाह से संबंधित है, उसमें विवाह से संबंधित जितने भी समस्त शुभाशुभ फल हैं उनका निर्धारण किया है। करण ग्रंथ जो पंच सिद्धांतिका है इत्यादि, इन सभी ग्रंथों का प्रणयन किया है और अपने वंश परंपरा के बारे में भी कुछ कहा है। तो इस प्रकार से 28 अध्याय में यह ग्रंथ समाप्ति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार से 28 नक्षत्र हैं, उसी प्रकार से 28 अध्यायों में उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आचार्य वराहमिहिर ने इस ग्रंथ का समापन किया है, अर्थात एक चक्र की पूर्ति इन्होंने की है। तो इस प्रकार से यह ग्रंथ यहीं पर समाप्त होता है। इसके पश्चात के पाठों में आप इसकी वैज्ञानिकता के बारे में पढ़ेंगे, इसके अन्य ग्रंथों से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, इसकी विशिष्टता क्या है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो आज यह प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। बृहत जातकम नामक ग्रंथ का आपने विधिवत अध्ययन किया। हम कामना करते हैं कि आप इसी प्रकार से अन्य ग्रंथों का, ज्योतिष शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन करते रहें। तब तक के लिए नमः सूर्याय।